नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। नगमा के सराफा व्यापारी का कार से अपहरण, 3 महीने बाद दो आरोपी गिरफ्तार, एक फरार, 3 पहले ही मिले थे। रीवा जिले में 3 महीने पहले हुए एक लूटकांड के घटनाक्रम के बाद पुलिस द्वारा 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि यह घटना 20 मई 2023 को रात 8 बजे के आसपास नगमा नामक सराफा कारोबारी के साथ घटी। इस समय भी अपनी मोपेड बाइक पर अपने गांव की ओर जा रहे थे, तभी जवा के सितलाहा पुल पर मारुति वैन से आए 6 अपराधी ने उनकी गाड़ी में टक्कर मारी और उन्हें गिरा दिया। इसके बाद वे अपहरण करके उनकी मोपेड पर चढ़ गए और उन्हें वैन में बैठा लिया। फिर वे उन्हें 25 किलोमीटर दूर गढ़ी के पास ले गए, जहां उन्होंने उनसे 1000 रुपए, मोबाइल फोन और उनकी दुकान की चाबी छीन ली। इसके बाद उन्होंने उनके सिर पर कट्टे के बट से हमला किया और उन्हें कार से उतारकर भाग गए। इस घटना के बाद जवा पुलिस ने 5 दिनों बाद 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 2 और आरोपी 1 दिन पहले ही गिरफ्तार किए गए थे, जहां तक कि 1 आरोपी अभी भी पुलिस की परेशानी का कारण बना हुआ है और उसे फरार बताया जा रहा है। इसके अलावा इस लूट की घटनाक्रम में गांव की सराफा कारोबारी के दामाद राहुल कुमार द्विवेदी, उदयराज सिंह और रतन सिंह भी पहले ही पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जा चुके हैं, क्योंकि उन्हें पुरानी लूटकांड के संदर्भ में आरोपित किया गया था। जवा पुलिस के थाना प्रभारी अजय खोबरगढ़ी ने बताया कि इस घटना के बाद 14 सितंबर को 5 दिनों के संघर्ष के बाद पुलिस ने आरोपी शुक्ला के पुत्र पोती लाल और सागर यादव को गिरफ्तार किया। इन दोनों आरोपियों को अब न्यायिक प्रक्रिया के तहत कोर्ट में पेश किया गया है। इस घटना में 1 और आरोपी अभी भी पुलिस के पर्याप्त निरीक्षण से बच फरार है। यह घटना गांव के व्यापारियों के बीच बड़े हलचल का कारण बन गई और उन्होंने इसका सख्त विरोध किया। पुलिस ने त्वरित कदम उठाया और आरोपितों को गिरफ्तार किया, जिससे लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया गया है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।